गिरिडीह रेडक्रॉस भवन में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक रक्त अधिकोष भवन का शिलान्यास राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस दौरान राज्यपाल का स्वागत अध्यक्ष सह उपायुक्त नमन प्रियश लकड़ा ने गुलदस्ता और चेयरमैन अरविंद कुमार ने शॉल उड़ाकर किया। रेडक्रॉस परिवार की ओर से सचिव विवेश जालान ने राज्यपाल को एक मोमेंटो भी सौंपा। इस मौके पर अपने संबोधन में राज्यपाल गंगवार ने गिरिडीह रेडक्रॉस के कार्य की सराहना करते हुए शीघ्र ब्लड बैंक भवन का निर्माण करने की उम्मीद जताई। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार डुमरी पहुंचे, जहां उन्होंने डुमरी के अलग अलग क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी पोषण माह के तहत 2 आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचकर स्कूली छात्राओं के बीच सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के प्रमाण पत्र बांटे, वहीं नवजात बच्चों का मुंह जूठन करवाया। इसके बाद भी डुमरी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंचकर वहां के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने स्कूल के टॉपर बच्चियों को सम्मानित किया, साथ ही छात्राओं को प्रमाण पत्र बांटे। वहीं कार्यक्रम में उन्होंने कई योजनाओं की परिसंपत्तियों का वितरण किया। वहीं उन्होंने स्कूली छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने की बात कही और उन्होंने कहा कि अच्छे से पढ़ाई कर देश और समाज का नाम रोशन करें। जबकि स्कूली छात्राओं ने राज्यपाल संतोष गंगवार से सवाल जवाब भी किया। इसके बाद एक जन आरोग्य केंद्र पहुंचकर वहां के भी सुविधाओं का जायजा लिया और लोगों से बात की। जबकि पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो झारखंड प्रदेश की जानकारी और लोगों की राय ले रहे हैं। उन्होंने झारखंड में जल्द चुनाव होने के संकेत दिए और मतदाताओं से निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की है। जबकि राज्य सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जवाबदेही में काम करे, ये सभी की अपेक्षा है। ना हम इस प्रदेश में अभी आए हैं, एक तो प्रदेश की जानकारी और यहाँ के लोगों की क्या राय और कैसे हम काम करें। तो सर अभी तक बोल नहीं रहे, सुन रहे हैं। सर अभी तक जो आपने संवाद किया लोगों से, आप राज्य सरकार को कोई सर सुझाव देंगे? यहाँ जो बात होती है राज्य सरकार के लोग भी सुन रहे हैं सर, और सबसे बड़ी चीज होती है मतदाता सर। मतदाता बहुत जल्दी चुनाव की संभावना है, मतदाता फैसला करेगा, पर राज्य सरकार जवाबदेही से काम करे, ये सबके अपेक्षा है। झारखंड में सर उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए सर क्या प्रयास है? हमने जानकारी ली है सर, पर अभी कुछ कमी है सर। यहाँ पर 12 विश्वविद्यालय हैं, केवल 4 में रेगुलर कुलपति है सर, वो कमी है कुछ। इसको और कैसे दुरुस्त करेंगे, इसको हम बात करेंगे, आप भी कोई सुझाव हो तो हमको बताइए। वहीं झारखंड में शिक्षा की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड में 12 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन 4 की कुलपति स्थायी रूप से झारखंड में काम कर रहे हैं। फिलहाल झारखंड में कुलपतियों की कमी होने की बात कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।